हे प्रोग्रामर्स, सो वेलकम बैक। और आज हमारा लीट कोड का डे 8। ऑलरेडी हमने 7 प्रॉब्लम्स की हुई थी, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे 7 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डन की हुई है। फर्स्ट वन, सेकंड फोर, एंड थर्ड एंड फिफ्थ सिक्स सेवन। आज का हमारा जो लीट कोड का होने वाला है वो कौन सा है? 8 प्रॉब्लम। अब 8 प्रॉब्लम में क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, फंक्शन कंपोजिशंस के नाम से। अब फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है? इफ़ यू आर अगर आपने फर्स्ट एंटर की है तो आपको फंक्शन कंपोजिशंस आता होगा। फंक्शन कंपोजिशंस क्या होता है, मतलब कि ऐसे समझ लो कि आपके 2 या 4 या 3 या 5 या 6 फंक्शंस होते हैं साथ साथ। उस फंक्शंस को आपको यूज़ करना है। एक फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू गिवन होगी, उसकी वैल्यू आपको दूसरे फंक्शन में यूज़ करनी है, इसी तरह उसकी वैल्यू आपको तीसरे फंक्शन में यूज़ करनी है। दैट्स हाउ द कंपोजिट फंक्शन वर्क। अब इसमें क्या होगा, प्रोग्रामिंग में क्या होगा? प्रोग्रामिंग में ये होगा कि आपको एरे बनाना है एक फंक्शंस का, मतलब कि एक एरे बनाओ, उसमें 3 4 फंक्शंस को स्टोर करवा दो, फिर उसी एक एक फंक्शंस को बार बार यूज़ करो। दैट्स सिंपल। तो यही आज की प्रॉब्लम है। गिवन एन एरे अ फंक्शन जिसमें F1, F2, F3 एंड एंड सो ऑन, रिटर्न अ न्यू फंक्शन, एक न्यू फंक्शन रिटर्न होगा, दैट इज द कंपोजिट फंक्शन होगा। फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द एरे, एक एरे फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन होगा जो हमको क्या करेगा, जो एरे के अंदर जो भी फंक्शन होंगे उनको यूज करेगा और हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या होगा, द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ FX एंड G ऑफ, अब जो भी फंक्शन होंगे जो ये इन्होंने गिवेन है, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने जो दिए हुए हैं कि भाई FX एक यूज करो, एक GX एंड एक एच ऑफ एक्स यूज करो। एंड उसके बाद उन्होंने बोला है कि यूज F1 F n ऑफ एक्स इज इक्वल टू F of G ऑफ एच ऑफ एक्स के बराबर होगा। अब ये आपको यूज इस तरह से आपको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, ठीक है। अगर हमारी चीज़ जो है इजी वे में हो जाती है तो हमको इतना जो है ज़्यादा इनको F of G of x और H of x नहीं करना। ये इन्होंने उस वजह से दिया हुआ है क्योंकि ऐसे हमारी मैट्रिक्स या वो ऐसी हमारी जो मैथ में होता है। उसके बाद क्या है, द फंक्शन कंपोजिशन इज एम्प्टी ऑफ द लिस्ट ऑफ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन F of x इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारा फंक्शन जो है मतलब एम्प्टी होता है, ठीक है, मतलब एरे हमारा जो है एम्प्टी होता है, उसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होता, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको रिटर्न करेगा एक्स, ठीक है, बी रिमेंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं हमारी प्रॉब्लम पे। हम प्रॉब्लम बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने जो इन्होंने फंक्शन बोले वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल के नाम से मैं अपने फंक्शन बनाऊंगा, पहला फंक्शन एफ से बनाऊंगा एफ। अब देखो, ये जो मैं एक मेथड लिख रहा हूँ फंक्शन बनाने का, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्साइज वे होता है फंक्शंस का। जब आप कोई भी फंक्शन बनाते हो, आप उसको क्या करते हो, 4 5 लाइन में बनाते हो, मगर ये कॉन्साइज वे है, मतलब इसको आप क्या करते हो, शॉर्ट वे में आप फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। तो एक्स इम्प्लाइज डेट क्या होगा, एक्स प्लस कर दो, इसमें क्या इन्होंने बोला फर्स्ट में x+1, तो x+1 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि एफ एक फंक्शन है, उसमें उसने एज अ इनपुट वैल्यू ली हुई एक्स की, और फिर वो रिटर्न करता है x+1, जो भी एक्स की वैल्यू उसमें पास करता है, और x+1 की जो भी आंसर आएगा वो हमको आपको रिटर्न कर देगा। दैट्स सिंपल। इसको करो कॉपी यहाँ से। इस तरह के आपको 3 फंक्शन बनाने हैं। मैं यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है, अब सही है, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे एफ था तो एफ एफ के बाद जी लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एच, बट यहाँ पे हमको रिटर्न कौन कौन से, x+1 है, दूसरे में एक्स एक्स इंटू एक्स है, तो मतलब एक में हमको x+x रिटर्न होगा, एंड थर्ड वन में हमको x- कौन सा होगा, एक्स रिटर्न 2 मल्टीप्लाई x, मतलब थर्ड जो फंक्शन होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई x रिटर्न होगा, ठीक है। अब ये 3 फंक्शन हमको ये चीज़ें हमको या ये वैल्यूज हमको रिटर्न करेंगे। उसके साथ में यहाँ पे क्या बना देता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल, और यहाँ पे कंपोज फंक्शन हम बना देते हैं, कंपोज, या तुम F(un) कर दो, कंपोज F1 फंक्शन इज इक्वल टू, ये जस्ट एज अ वेरिएबल है, फंक्शन को स्टोर कराना है, और यहाँ पे तुम कंपोज नाम का फंक्शन बना दो, उसमें तुम अपने ये क्या है, ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है यहाँ पे ले लो स्टोर पर, एज अ एलिमेंट के तौर पर स्टोर करवा दो एरे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल सा, अच्छा एक इन्होंने और चीज़ बोली है कि एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अब जाहिर से एक्स को तो हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई कॉन्स्ट कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट लेट एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स बराबर होगा 4 के। डेट सिंपल, लेट एक्स, लेट क्यों ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट नहीं रखनी, वैल्यू चेंज होगी एक्स की बाद में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करने वाले, जो हमारा कंपोज फंक्शन है उसको यहाँ पे पास करवा देंगे वैल्यू उसकी एक्स की, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। डेट सिंपल। उसके बाद क्या करने वाले, चलो ये तो हमारा काम हो गया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपना मेन काम करने, मतलब हमको यहाँ पे हमको अपना फंक्शन बनाना, जो अपना फंक्शन काम करेगा मेन, तो कंपोज फंक्शन बनाना है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है।
हमने पहले कंपोज बनाया हुआ, अगर ये रन हो जाता है ठीक है, नहीं तो इसको कंपोजिट फंक्शन का नाम दो। यहाँ पे आर्गुमेंट जो पास करेंगे वो हमारे फंक्शंस होंगे, ये पड़े हमारे सारे फंक्शंस जो एज आर्गुमेंट के तौर पे कंपोज फंक्शन में पास होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कंडीशन, अगर भाई अगर जो है हमारा जो फंक्शंस उसकी जो लेंथ है, जो ये फंक्शंस लिया है, अगर इसकी लेंथ इक्वल टू जीरो हो जाती है, ठीक है, तो मुझे क्या रिटर्न करना, एक्स की वैल्यू रिटर्न करना। क्यों भाई, ये पड़ी, ये इन्होंने बोला हुआ है, डेट्स अ रीजन में ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे क्या रिटर्न करना, तुम रिटर्न करना फंक्शन में तुम मुझे एक्स की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देना, रिटर्न एक्स कर देना, बस सिंपल, ठीक है। ये हम यहाँ से पास, मतलब इससे रिटर्न करवाएंगे एक्स, अगर हमारा फंक्शन या एरे जो है वो एम्प्टी होता है, मगर अभी एरे एम्प्टी नहीं है, तीन तीन फंक्शन हैं हमारे पास लिए हुए हैं। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे क्या एक और यहाँ पे फंक्शन रिटर्न करवाते हैं हम, यहाँ पे ये फंक्शन हमारा मेन काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न करवाते हैं, ये फंक्शन क्या काम करेगा यहाँ पे सोचो। तो यहाँ पे पहले तो हम लेट लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स को रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट में हम एक्स की वैल्यू स्टोर करा देते हैं, भाई एक्स की वैल्यू जो भी होगी तुम रिजल्ट में पास करवा दो। उसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फॉर लूप का यूज, क्यों, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, और जो यहाँ पे जो हमने किया था फंक्शन डॉट लेंथ, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, मुझे पता है यू आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेट आई इज इक्वल टू जीरो नहीं करना, लेट आई इज इक्वल टू फंक्शन डॉट लेंथ माइनस वन के बराबर होगा, उसके बाद जो आई होगा वो आई जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड आई को हम कर लेंगे डिक्रीमेंट। क्यों किया मैंने वो बताता हूँ, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको सही नज़र आए। तो लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, ओके ओके ओके, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा छोटा, ताकि हमारी स्क्रीन थोड़ी सही नज़र आए। अब सही है, आई होप कि अब आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, फॉर लूप का हमें यूज़ करना है यहाँ पे, फॉर लूप का हमको यहाँ पे यूज़ करना है, और ये हमारे रिटर्न फंक्शन फॉर लूप, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, फॉर लूप को मैंने कैसे यूज़ किया वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में हमारा एक आई आएगा आर्गुमेंट के तौर पर, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट पास हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया था, ठीक है, एज आ मतलब जो मैं यहाँ पे फंक्शन, मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, फंक्शंस जो हमारा यहाँ पे आ रहा है उसके आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करें, मतलब कि आइटरेट होगा, ठीक है, फंक्शन डॉट लेंथ को यूज़ करें, यही फंक्शन इसके आर्ग्यूमेंट, इसकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब जो फंक्शन होंगे। अब उसके बाद अब मुझे ये बताओ मैं लूप क्यों यूज़ कर रहा, कॉमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें पता है, नहीं पता है तो देखो, जब हम यहाँ पे एक मिनट में रिटर्न करवाता हूँ, उसके बाद ये लूप हो गया, अब मैं यहाँ पे करवाता हूँ रिटर्न, रिटर्न क्या करवाना है हमको, रिजल्ट, भाई रिजल्ट मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे एंड सेमी कोलन लगा के। अब मेरी बात सुनो, मुझे तुम बताओ मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ क्यों किया, बिकॉज ऑफ द रीजंस। देखो जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी पास होती है यहाँ पे जो फॉर है, ठीक है, यहाँ से चलो ठीक है फंक्शन तो हमारा खाली नहीं है, तो ये तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये डायरेक्ट इसमें आएगा रिटर्न फंक्शन, रिटर्न में आएगा तो एक्स की वैल्यू होगी फॉर, लेट रिजल्ट को हमने बराबर कर दिया एक्स के, मतलब अब रिजल्ट हमारे फॉर के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज़ किया, लेट आई इज इक्वल टू फंक्शन डॉट लेंथ, फंक्शन डॉट लेंथ कितनी है, थ्री है, क्योंकि देख लो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स कितने लिए हैं एरे के, थ्री है, तीन फंक्शन है, बट यहाँ पे थ्री माइनस वन किया मैंने, क्यों, क्योंकि एरे जो होता है उसका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा, दैट्स वाई, तो जीरो से स्टार्ट होगा तो यहाँ से जीरो से लेकर टू तक जाएगा, दैट अ रीजन मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस वन किया, ताकि हमारा इंडेक्स जो कंप्लीट हो, ठीक है, मतलब हमारे एरे की जो लेंथ है वो कंप्लीट है, तो यहाँ से टू, टू की वजह से जब यहाँ पे टू आएगा तो इट मीन इंडेक्स हमारा जीरो वन टू तक ही जाएगा, तो क्या टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे ये आएगा और टू, तो फंक्शन टू, यहाँ पे फंक्शन टू आर्ग्यूमेंट होगा, तो फंक्शन टू यहाँ पे होगा पास, यहाँ पे फंक्शन में, इसमें फंक्शन में जाएगा और फंक्शन में देखेगा कि भाई टू पे कौन सा आर्ग्यूमेंट आ रहा है, एच आ रहा है, तो एच को ये करेगा यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे सॉल्व करेगा और टू के हिसाब से ये क्या करेगा, टू मल्टीप्लाई बाई फोर एट हो जाएगा एंड दैट्स इट, और फिर हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा क्या, मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब कि रिजल्ट हमारा पहले था फोर, अब हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा एट, एंड देन फिर से ये लूप आइटरेट होगा, इसी तरह ये आइटरेट होते होते हमारा ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन, रन करके रन करने के बाद फिर से मैं तुमको ये थोड़ा सा आगे समझा देता हूँ कि हाँ रन हो गया, बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। देखो तो फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, थर्ड केस में इसने क्या किया था, खाली लिया था,
42 इसने जो कोड, अब यही कोड हम वीएस कोड में करते हैं, ठीक है, दैट्स टू सिंपल। तो सबसे पहले मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कोड को करते हैं कॉपी, और उसके बाद आते हैं वीएस कोड में, रियल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। हम यहाँ पे कोड को चेक करेंगे एक्चुअली में कोड है क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोड को करता हूँ रन। अब देखो जब लीड कोड में हम कर रहे थे ना, तो ये क्या कर रहा था, पूरे फंक्शंस को चेक करता है, लीड कोड जस्ट चेकिंग द फंक्शन, नॉट चेकिंग दिस वैल्यूज एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पूरे फंक्शंस को चेक करता है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, दैट्स हाउ दैट्स गेटिंग ओ फंक्शंस एनोनिमस। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फंक्शन एनोनिमस, मतलब पता है क्या है, ये जो हमने जो भी फंक्शन दिए हैं ये सारे एनोनिमस है, मगर फिर भी हमारे कोड में थोड़ा सा एरर होगा। आई एम जस्ट चेकिंग यू, कंपोज फंक्शन जो मैंने बनाया था यहाँ पे, यार डायरेक्ट एरे नहीं बना था, फंक्शंस के अंदर मुझे फंक्शन बनाना था। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने कंपोज फंक्शंस को डायरेक्ट मुझे कंसोल में कॉल नहीं करना पड़ता, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था उसके थ्रू मुझे कॉल, क्योंकि मैंने वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ, दैट्स अ रीजन, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने स्टोर कराया है, तो उस हिसाब से मैं इसको कॉल करूंगा, बी रिमेंबर। ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, जल्दी जल्दी वीडियोज बनाते बनाते हो जाती है, नो मैटर, इससे इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, सीखना चाहिए ऐसी मिस्टेक। 65 आंसर आया, क्यों 65 आया, यहाँ पे मैंने लिया था फोर, ठीक है। अब फोर एक्स हुआ, चलो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं अपने हिसाब से। एक्स आया फोर, चलो ठीक है भाई, इसको तो तुम वैसे ही छोड़ दो, क्यों, फंक्शन खाली नहीं है भाई, फंक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू इम्प्लाइज की हुई है। ये मुझे ये बताओ, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, इसको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है, वाई बिकॉज ऑफ द एनोनिमस, फिर से बता रहा हूँ एक बार, माइंड में सेव कर लो, पाइथन में भी मैंने ये बताया हुआ है, एनोनिमस फंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हम कॉन्साइज फंक्शन होता है, ऐसे लगता है कि ये फंक्शन है ही नहीं, तुमको ऐसे लगेगा कि ये फंक्शन है ही नहीं, इस वजह से हम इसको एनोनिमस फंक्शंस कहते हैं। आप बाकी फंक्शन यूज करते हो, उसमें रिटर्न वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिफाइन करते हो, यहाँ पे रिटर्न वगैरह डिफाइन नहीं, मगर रिटर्न कर रहा है ये एक्स प्लस वन रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे एक्स जो है ये एज अ इनपुट वैल्यू ले रहा है फंक्शंस की, ठीक है, बी रिमेंबर, इट्स एनोनिमस फंक्शन, कॉन्साइज फंक्शन कह सकते हो। अब हम समझते हैं इसको, एक्स की वैल्यू जो फोर आती है, तो एक्स की वैल्यू फोर यहाँ पे आती है रिटर्न फंक्शन में पास होती है, डायरेक्ट हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन को, क्यों, ये तो वैसे ही एम्प्टी नहीं है फंक्शन, एरे हमारा खाली नहीं है, एरे के फंक्शन पास किए गए, लेट एक्स इज, मतलब जो रिजल्ट हम अब एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वैसे फॉर ली थी, जब लूप यहाँ पे आइटरेट होगा, तो पहले पहले लूप जो आइटरेट होगा अकॉर्डिंग टू द जो हमने कंडीशन प्रोवाइड किए उसके हिसाब से हमारा लूप रुकेगा टू पे, लेंथ जो है एरे की टू है, तो फंक्शंस टू पे जो है हमारा कौन सा आर्ग्यूमेंट आता है, एच आता है, क्योंकि ये एफ जीरो पे है, जी वन पे, एच पे, टू पे, मतलब एच जो है वो टू पे, तो टू पे जो है एच की वैल्यू क्या है, टू मल्टीप्लाई एक्स, इट मीन फोर मल्टीप्लाई टू होगा, तो फोर मल्टीप्लाई टू आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, फोर मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू एट, हमारा आंसर आएगा एट, बी रिमेंबर, ठीक है। जैसे एट आएगा तो रिजल्ट हमारा एट के बराबर होगा, फिर ये लूप आइटरेट होगा, यहाँ पे आएगा वन, तो वन पे कौन सी आती है, जी आती है यहाँ पे फंक्शन, तो जी के हिसाब से एट मल्टीप्लाई एट होगा तो क्या 64 हो जाएगा, एंड देन आएगा जीरो, जीरो पे हमारे पास एफ आ रहा है, ठीक है, एफ पे क्या आता है के 64, जो 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 64, 64 हाँ 64 प्लस 1 क्या हो जाए 65 हो जाए, दैट सिंपल। इसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 65 आ रहा है, दैट्स टू सिंपल। तो इसी तरह तुम ये जो बाकी जो इसके मतलब जो केस है ये भी तुम करना, टेस्ट केस करो, फर्स्ट केस तो हमने कर लिया, सेकंड केस करो, थर्ड केस करो, खाली लोगे तो वो तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है, बी रिमेंबर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है, मैंने सबमिट नहीं किया अभी तक, तो लेट्स सबमिट दिस कोड, क्योंकि मेरे सारे केस सही थे, दैट्स इट, मेरी सबमिट हो गई, आई थिंक सो, यस सबमिट हो गई, ठीक है। तो यू कैन आल्सो भी सबमिटेड, ठीक है, हमारी ये आज की प्रॉब्लम डन हो गई, और बाकी प्रॉब्लम करनी है, लास्ट वीडियो मैंने अपलोडेड है सारी, ये एट प्रॉब्लम चल रही है अभी हमारी, डे बाय डे हम जो रेगुलर बेस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कोई डे स्किप भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बी रिमेंबर, थैंक यू सो मच गाइस, सो मिलते हैं।